नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी में। और ये एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 का प्रीवियस पेपर है, और ये इसका पार्ट टू है। पार्ट वन अपलोड किया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसका पार्ट टू है जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ यहाँ आपको, और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। वीडियो कैसा लगा, और किसी भी चैप्टर में या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समझ में नहीं आया या प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 32 तक, इस 32 क्वेश्चन तक पार्ट वन में है, और 33 से पार्ट टू शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं जिनमें से एक को छोड़कर शेष सभी एक समानता प्रदर्शित करते हैं जबकि एक उनसे भिन्न है। एक विषम ज्ञात करो। ठीक है, विषम ज्ञात कर देना। तो देखो, ये लिखा है यू, भी छोड़ दिया है ना, फिर डब्लू, फिर वाई, मतलब यहाँ पे एक एक छोड़ दिया है। इसी तरह पी, क्यू छोड़ा आर है, एस छोड़ा टी है, तो ये भी सेम है। अब यहाँ पे एम है, फिर एन है, डायरेक्ट दे दिया, और ओ कुछ भी बीच में नहीं छोड़ा। ए देखो, ए बी छोड़ा सी है, डी छोड़ा ई है, तो ये तीनों सेम है, ये वाला अलग है, तो इसी में विषम को ज्ञात करना था, तो ऑप्शन नंबर थ्री आंसर हो जाएगा। क्या कांग्रेस 2003 व सत्र कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, 2017 का जब पेपर हुआ था ना, तो मैसूर में हुआ था विज्ञान कांग्रेस। तो जो भी इस तरह के संगठन हैं, जो भी इस तरह की सभाएं होती हैं, उनको देख लेना। करंट को तो ज़्यादा फोकस करना है अपन को, है ना, क्योंकि हमसे एमपी बन जाएगा, लूसेंट बन जाएगा, विविध बन जाएगा। अगर कुछ गलत होने की संभावना होती है तो वो होती है साइंस में, है ना, क्योंकि बायो बायो बैकग्राउंड से नहीं होते, जो होते भी उनको भी पता नहीं होते कि वो आंसर क्वेश्चन कहाँ से उठाया। साइंस और करंट ये संभाल लेना है आपको। मैथ्स रीजनिंग में तो आपको कोई सी भी प्रॉब्लम आए तो सीधे कमेंट करो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। 35 क्वेश्चन है, ये किसके इक्विवेलेंट है? ठीक है, तो ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें जहाँ जहाँ हैज लिखा है ना, तो हैज की जगह पे इनमें से कौन सा चिन्ह आ सकता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनमें से कौन सा चिन्ह आएगा ये बताना है। तो इसका तो सिंपल सा मेथड है कि आप ऑप्शन मेथड से कर लो। सबसे पहले प्लस है तो प्लस चेक करो। ठीक है, यहाँ देखो 836 और 66 दिया है प्लस में, तो ये तो जुड़ जाएंगे, यानी 836 प्लस 66 कितना हो जाएगा? 992। ठीक है, नहीं सॉरी, 892, 6 6 12 6 3 9, नहीं एक सेकंड, 6 6 12 की 2 हासिल की, 1 6 3 9 1 10 और 8 1 9, 902। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 902 में 902 हुआ, और ये है 881, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 माइनस का 2 4 6, ये हैज है, यहाँ पे 82 है, प्लस 66 -2 3 4 हैज, एंड यहाँ पे है 30, तो इक्वल टू में 881। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 3 4 और 13 के बीच में एक रेल, अगर ये हैज है चिन्ह के बाद जो कोई लिखा हुआ है, अगर ये एक दूसरे से कट जाए तो सबसे पहले डिवाइड चेक किया करो, है ना। मैं डिवाइड चेक करता हूँ, है ना, तो हैज की जगह मैं रखता हूँ डिवाइड, तो 902 इसको मिटा देते हैं, डिवाइड चेक करते हैं डायरेक्ट, वो तो याद है हमको 902 आया था, तो 902 सेम रहेगा। यहाँ पे प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस, माइनस है ना, यहाँ -246 बटे 60 प्लस का 60 या माइनस है ना, हाँ
माइनस प्लस का 60 माइनस का 234 बटे में 13 इक्वल टू 881 आना चाहिए। इसमें देखो तीन का मल्टीप्लाई तीन बार चला जाएगा सीधे सीधे, ये तीन आ जाएगा। इसको करो 13 कम 13, 13 अट्ठे 104, 18 आ गया, मतलब कि 902। ये 66 ही मैंने क्यों लिखा यहाँ पे, इसको तो हम पहले जोड़ चुके हैं तब ना 902 आया था, ये इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ये माइनस 18 है, मतलब कि माइनस 21 हो जाएगा, माइनस 21। तो जो घटाने पे आना चाहिए क्या आना चाहिए, 881 आना चाहिए। आता है क्या, दो में एक ही एक, दस में दो गई आठ, नौ में एक ही आठ, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका तरीका क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो ऊपर ये संख्या है इस चिन्हों के बीच में, ये एक दूसरे से डिविजिबल हैं क्या। डिविजिबल हैं तो सबसे पहले डिवाइड का चेक करना है, नहीं है तो उसके बाद ये देखिए कि इन दोनों को जोड़ा तो बड़ी संख्या आई। तो अब हमको क्या करना चाहिए कि इनको इनको दोनों में घटाना है, तो जोड़ के या तो घटा देना चाहिए या तो ऋण आएगा तो जुड़ जानी चाहिए, जुड़ेंगी तो ज़्यादा हो जाएगा, घटेंगी तो ज़्यादा फ़ायदा। तो फिर अगर डिवाइड मतलब डिवाइड में नहीं कट रहे हैं तो फिर प्लस को चेक करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम है ना इससे, इसके डिवीजन से कम है, मतलब कि हमने 836 में 66 जोड़ा था तो 902 तो ऑलरेडी आ गया था जो कि इससे ज़्यादा है, तो प्लस चेक करना है ऐसी स्थिति में। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है तो फिर हमको सबसे पहले मल्टीपल को चूज़ करना होगा, ठीक है, मल्टीपल को मल्टीप्लाई को चूज़ करना होगा, और मल्टीपल नहीं हो तो फिर ऋण को चूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से लॉजिक लगा के, क्योंकि कम से कम टाइम में, इस पर टाइम नहीं लगाना जाता, मतलब इसको करने में मेरे को ये चैप्टर करने में बहुत मज़ा आता है। सिलॉगिज्म, कुछ पशु पक्षी हैं, तो जो कुछ पशु हैं ना वो पक्षी हैं। फिर सभी जीव पक्षी हैं क्या, तो जो सभी जीव है ना वो पक्षी के अंदर है, तो जीव इसके अंदर हो जाएंगे क्या, ये सभी जीव पक्षी हैं। तो निष्कर्ष है सभी पशु पक्षी हैं, जो ये सभी पशु हैं, क्या ये सभी पशु पक्षी हैं क्या, नहीं, ये तो कुछ पशु पक्षी हैं, है ना, तो सभी पशु पक्षी क्या हो जाएगा, पहला कंक्लूजन क्या होगा, गलत। दूसरा, सभी पक्षी जीव हैं, जो ये सभी पक्षी हैं ये जीव के अंदर हैं क्या, नहीं है, तो दूसरा कंक्लूजन भी क्या हुआ, गलत। यानी कि ना तो निष्कर्ष एक ना तो दो अनुसरण करता है, मतलब ना तो एक ना तो दो कोई अनुसरण नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 37 है ना, 37 है, इसको करते हैं, सेम है, सिलॉगिज्म का ही है, ठीक है, कथन ये कुछ वर्ग आयत हैं, जो कुछ वर्ग है ना वो आयत हैं, कुछ वर्ग आयत हैं, सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं, सभी आयत जो हैं वो समांतर चतुर्भुज हैं। फर्स्ट ने इसका, सभी समांतर चतुर्भुज आयत हैं क्या, जो सभी समांतर चतुर्भुज हैं वो आयत हैं क्या, ये समांतर जो सभी समांतर चतुर्भुज आयत के अंदर हैं क्या, तो पहला कंक्लूजन क्या हुआ, गलत, नहीं है, है ना, समांतर चतुर्भुज के अंदर आयत है लेकिन आयत के अंदर समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो जो सभी समांतर चतुर्भुज आयत हैं वो गलत हो जाएगा। दूसरा, कुछ समांतर चतुर्भुज आयत हैं, तो कुछ समांतर चतुर्भुज, कुछ में मैंने आपको बताया था कि अगर ऑल ए आर बी में सम ए आर बी और सम बी आर ए, मतलब कि सभी ए बी हैं में कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं, दोनों कंडीशन फॉलो करती हैं, तो दूसरा हो जाएगा सही, मतलब केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कुछ क्रमी झिल्ली हैं, तो जो कुछ क्रमी है ना वो क्या है, झिल्ली हैं, कुछ क्रमी झिल्ली हैं, कुछ क्रमी इल्ली हैं, झिल्ली नहीं, कुछ क्रमी इल्ली हैं और कुछ इल्ली तितलियां हैं, कुछ इल्ली तितलियां बना देते हैं। निष्कर्ष, कुछ तितलियां इल्ली नहीं हैं, कुछ तितलियां मतलब कुछ जो ये तितलियां हैं वो इल्ली नहीं हैं, तो नहीं जहां भी आ जाए
उनके बीच में क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। किस तरह का? कि बोल देता कि कुछ जो इल्ली है ना, हाँ कुछ इल्ली तितली नहीं है, कुछ इल्ली ऐसी हैं जो कि तितली नहीं है। तो ये कंडीशन जब क्रॉस आ जाए तब ये नहीं वाली कंडीशन फॉलो होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो नहीं देखते ही आपको इसको फर्स्ट कंक्लूजन को क्या करना है, गलत। कुछ इल्लियाँ कृमि हैं क्या? कुछ इल्लियाँ कृमि हैं, तो देख लो कृमि और इल्लियों के बीच में एक कॉमन पार्ट है, इसका मतलब दूसरा सही है। तो केवल निष्कर्ष दो फॉलो करता है, ठीक हो गया। इसमें पूछा है कुछ इल्लियाँ कृमि नहीं हैं, हमने है पढ़ लिया, ठीक है कोई बात नहीं, इसको अपन फिर से कर लेते हैं। इसमें क्या है, कुछ कृमि इल्ली है ना, तो जो कुछ कृमि हैं वो इल्ली हैं, कुछ कृमि इल्ली हैं, कुछ इल्ली तितलियां हैं, कुछ इल्ली तितलियां हैं। फिर कुछ तितलियां इल्ली नहीं, कुछ तितलियां इल्ली, तो यहाँ पे क्रॉस रिलेशन नहीं है, मतलब कि फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग। और कुछ इल्लियां कृमि नहीं है, तो कुछ इल्लियां कृमि यहाँ पे भी क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो दूसरा भी रॉन्ग, मतलब कि ना तो एक ना तो दो अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस आपको नहीं देखना है, ये जो नहीं है ना इसके लिए क्रॉस रिलेशन जरूरी है। सिलॉगिज्म के भी लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मेरा फेवरेट चैप्टर है ये। सभी पर्स हैंडबैग हैं, सभी जो पर्स हैं वो हैंडबैग हैं। फिर कुछ हैंडबैग बैकपैक हैं, कुछ हैंडबैग बैकपैक हैं, ठीक है। निष्कर्ष निकालिए, कुछ पर्स बैकपैक हैं, ये जो कुछ पर्स हैं इस पर्स और बैकपैक के बीच में कोई कॉमन पार्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो पहला कंक्लूजन क्या होगा, गलत। फिर जो बैकपैक हैंडबैग हैं, जो बैकपैक हैंडबैग हैं यानी कि ये वाले है ना, वे पर्स नहीं है, तो वे पर्स नहीं, तो ये क्या पर्स नहीं है, नहीं आ गया, क्रॉस रिलेशन है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो दूसरा भी क्या हो गया, गलत। मतलब निष्कर्ष एक और दो दोनों फॉलो नहीं करते। अभी एक सीरीज दी हुई है कि गलत संयोजन निकालो, तो लिख लो भैया 32, 35, 37, 41, 44 एंड 47, ठीक है। यहाँ पर देखो 32 से शुरू 47 में ख़त्म, तो प्लस की सीरीज है क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में +3। 35 में +3 करोगे तो 38 आएगा, है ना, तो इसको अभी 38 मान लेते हैं। +3 करोगे 41 हो जाएगा 38 में, इसमें +3 44, इसमें +3 47, यानी कि यहाँ पे 37 जो है वो गलत है, क्या होना चाहिए था, 38। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अभी नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से शुरू हो गया, मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड। चलो सॉल्व करते इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रम में अंगली आकृति कौन सी आएगी? तो अंगली आकृति देख लो, फर्स्ट में यहाँ पर है, सेकंड में यहाँ गया, मतलब कि दो पीछे है ना, तीसरे स्थान पर चला गया यहाँ से, थर्ड यानी कि यहाँ गया थर्ड में, यहाँ पे सॉरी थर्ड गया यहाँ पर, सेकंड गया यहाँ पर, और यहाँ पे फोर्थ गया, तो अगला जो होगा उसमें क्या जाएगा, फिफ्थ गया ना यहाँ पर, ये इस फर्स्ट की अपेक्षा ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये फिफ्थ है, तो अगला जो होगा वो जाएगा फोर्थ। फोर्थ यानी कि इसकी अपेक्षा देखा जाए तो 1, 2, 3 वो यहाँ पर होगा, है ना। देख लेते कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर है। देखिए ये डायग्राम वाले भी 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, तो इसको भी अच्छे से करना है ना। नीचे दिए गए क्रम में अंगली आकृति कौन सी आएगी? तो पहले देखो एक डंडी थी, पहले एक डंडी बन रही है, फिर दूसरी डंडी, दूसरे में एक डंडी बड़ी दूसरी छोटी, फिर दोनों बड़ी, फिर दो बड़ी एक छोटी, फिर तीनों बड़ी, तो अब जो अंगली आएगी उसमें 4 डंडी होंगी लेकिन 3 बड़ी और एक छोटी, है ना, क्योंकि छोटी आ रही है फिर चौथी बड़ी होती है, तो इसमें ये सही हो जाएगा। देख लो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसको सॉल्व करना है, इसको ओवरलैप करना है। तो देखो ओवरलैप जब करेंगे तो ये जो नीचे इस तरह से बना हुआ है इसमें,
और इसका, तो ये एक यहाँ पे ये बनेगी और दूसरी ये यहाँ पे ऐसे बनेगी, है ना। इस तरह से एक तो ये संरचना बननी चाहिए कहाँ पे, यहाँ पर कोने में। फिर जो ये वाली है इसमें कैसे बनेगा, एक नीचे रहेगा ये, फिर एक ऊपर रहेगा ये, ठीक है। दो तो ऐसे पकड़ लेना। फिर यहाँ पर देखो जो ये वाला बना है डेल्टा टाइप का, ये ऐसे बना हुआ है ना ऐसे, और फिर एक यहाँ पर ऐसे है, तो ये दोनों ऐसे फिक्स करके ये बना लें। तो इन तीन चीज़ों को पकड़ लेना है, उसमें ही आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देखो ऑप्शन नंबर पर ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये गलत है ये वाला, क्योंकि ये हमने कैसा चेक किया कि हमारा होना चाहिए ऐसे और ये थोड़ा नीचे आएगा उसके, है ना, तो वो आएगा ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर टू को देखो, टू में सब सेटिस्फाइड है, ये भी ये भी ये भी मिटा देता हूँ मैं तो इसको, देखना ये भी फॉलो है, ये भी फॉलो है, ये भी, ऑप्शन दो सही हो जाएगा। और देखना है तीसरा चौथा, तो इसमें भी देख लो इसमें क्या गलत है। तो इसमें ये देखो, इसका आधा बना है, ये इस तरह से बना है ये, जबकि ये पूरा ऐसा था, ठीक है। इस वाले में देखो तो ये केवल ऊपर की ऐसे बना है, नीचे ऐसे होना चाहिए था, ये नहीं बना, तो ये भी गलत, ये भी गलत, फर्स्ट भी गलत, सही हो जाएगा सेकंड। दे देते हैं इस पे तो टाइम मतलब ठीक है, करते हैं रूट ऑफ थ्री माइनस का 1/√3 इसका होल स्क्वायर कर दो, किससे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो क्या होता है, ए का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, तो 3, बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो 1/3, और -2ab तो माइनस का 2, ए बी करेंगे तो ये √3, इसका मल्टीप्लाई मतलब ऐसे होगा √3 × 1/√3 दो के गुणा में, तो ये से ये कट जाएगा, बचेगा कितना 2, तो -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये कितना जाएगा, 3 × 9 -1 9 -1 -2/3 सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, इसका भी एलसीएम एक इसको अच्छे से कर देता हूँ यार, ए का स्क्वायर मतलब 3 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1/3 -2ab मतलब 2, इसके बटे में एक करो, इसके बटे में एक करो, एलसीएम ले लो 3, यह आ जाएगा 9 + 1 - 3 = 6, तो 10 में से 6 जाएंगे, क्या बचेगा 4/3, 4/3 क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, जबकि अभी से 15 वर्षों बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो वर्तमान में पिता की आयु ज्ञात करना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते, तो मान लेते हैं ये हैं पिताजी, ये हैं सन, तो उसके 3 गुनी है, मतलब कि अगर इसकी 1 है तो इनकी 3 है, यही हुआ ना, 3 गुने का मतलब क्या होता है, 3:1। और 15 साल बाद उसके पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो अगर इसकी 1 होगी 15 साल तो इनकी हो जाएगी 2, ठीक है। तो मैंने आपको मतलब पिछले 2 सेटों में भी ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम आया है, बिल्कुल ऐसा ही आया था, बस सब अंक चेंज है। सबसे पहले क्या करो, ये रेशियो सेम कर लो, तो रेशियो सेम करने का मतलब क्या होता है कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, जो कि नहीं, अभी 3 में 2 गए 1, 1 में 1 जाएंगे 0 आ जाएगा इधर, तो हमको क्या करना है, इन दोनों के डिफरेंस से ऊपर वाले का गुणा यानी कि इसका, और इन दोनों के डिफरेंस का ये नीचे वाले के साथ गुणा कर देना है, तो हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। करते हैं, तो देखो इसका डिफरेंस कितना है 2, तो नीचे वाले में गुणा करते हो, 2 × 2 = 4 और 2 + 1 = 2, ठीक है। इसी तरह से इसका डिफरेंस 1 है, तो यहाँ पे तो 3:1 ही होना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब इसका डिफरेंस देखो, 4 में से 3 गई तो 1, 2 में से 1 गई तो 1, और ये 1 जो है वो किसके बराबर है, 15 साल के बराबर, क्योंकि ये रेशियो क्या है, वर्तमान आयु का, और ये रेशियो है 15 साल बाद का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 15 साल का, तो रेशियो में डिफरेंस है 1 का और ओरिजिनल वैल्यू है 15, तो 1 का मतलब है 15,
तो निकालना है पिता की आयु, तो पिता की वर्तमान आयु है 3 और 1 का मतलब है 15, तो 3 × 15 कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो उसके आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? तो सबसे पहले तो इसके लिए पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है ऊपर, साउथ डायरेक्शन नीचे, ईस्ट यहाँ पर, वेस्ट यहाँ पर। जिसको ये इसमें दिक्कत हो तो वो क्या करे, भारत का नक्शा तो सबने देखा है, नॉर्थ में क्या है, हिमालय, तो वो ऊपर है, है ना, यानी कि ऊपर नॉर्थ जाना है, साउथ, साउथ में क्या है, हिंद महासागर, ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी। तो इस तरह से याद कर लेना, जैसे भी हो, लेकिन दिशा तो याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं। जो एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो यहाँ से है, यहाँ व्यक्ति खड़ा है, वो 4 किलोमीटर इस तरह जाता है, कहाँ पर, नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या करता है, दाहिना ओर मुड़ता है, दाहिना यानी कि राइट हैंड की तरफ मुड़ेगा, कहाँ, यहाँ, और क्या करता है, मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। अब बोला है कि उसके आरंभिक, यानी कि यह आरंभिक बिंदु और यह अंतिम बिंदु, आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी बता दो, यानी कि ये दूरी। तो देखो, पहले वो सीधा गया है कहाँ, नॉर्थ, फिर मुड़ गया दाएं, तो यहाँ कोण कितना बचा, 90 डिग्री बना। तो हम इसमें पाइथागोरस लगा के इसकी न्यूनतम दूरी निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, इसको मान लेता हूँ मैं पी। ठीक है, तो पी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, 16, और धन आधार का स्क्वायर मतलब 9, तो ये हो जाएगा 25। पी का स्क्वायर बराबर 25, तो पी बराबर आ जाएगा 5। ठीक है,